मूवी की शुरुआत में हमें परेशान किंग काई को दिखाया जाता है जो तुरंत गोकू को टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं कि जल्दी से गोकू यहाँ पर पहुंचो। उस समय गोकू सूट बूट पहन के अपने बेटे का एडमिशन करवाने गया होता है, लेकिन गोकू का बेटा गोहन पार्टी में इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप लैंड होता है जिसमें से भुरभुरा कर कई सारे एलियंस बाहर आते हैं और उनका लीडर पैरागस होता है जो खुद एक सैयन होता है। वो बोलता है, मेरा नाम पैरागस है और मैं प्लैनेट वेजिटा से आया जो मैंने खुद बनाया आपके लिए, पर ओ महान वेजिटा उससे पहले आपको सुपर सैयन को हराना होगा और आप ही हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली सैयन। इतनी तारीफ सुनकर वेजिटा मान जाता है और उनके साथ स्पेसशिप में बैठकर निकल जाता है। फिर हमें किंग काई को दिखाया जाता है जो गोकू के वहाँ पहुँचते खाना खाते हुए बताता है कि सुपर सैयन ने साउथ गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पर वो लेजेंडरी सुपर सैयन तुमसे भी काफी ज्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसकी एनर्जी से उसे ढूंढ सकता हूँ। लेकिन जब गोकू सुपर सैयन की एनर्जी का पीछा करते हुए प्लैनेट पर पहुंचता तो प्लैनेट पहले ही बर्बाद हो चुका होता है। इसके बाद हमें वेजिटा प्लैनेट पर वेजिटा के साथ पैरागस को दिखाया जाता है। पैरागस प्लैनेट वेजिटा पे अपने बेटे ब्रूली को इंट्रोड्यूस वेजिटा से करवा रहा था, तभी एक सैनिक आता जो बताता कि लेजेंडरी सुपर सैयन को साउथ गैलेक्सी में देखा गया है। वेजिटा बोलता है, ब्रूली तुम मेरे साथ चलो, हम उसे मिलकर खत्म कर देंगे। और वेजिटा ब्रूली के साथ साउथ गैलेक्सी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रंक गोहान और क्रिलिन प्लैनेट पर घूमने लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सैनिक जबरदस्ती लोगों से काम करवा रहे हैं, तो गोहान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गोहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गोकू पहुंच जाता है। गोकू को देखकर पास में ही खड़ा पैरागस बोलता है, पीछे हटो, ये सभी किंग वेजिटा के साथ हैं। फिर हमें गोहान को दिखाया जाता है। गोहान उस प्लैनेट पर रहने वाले एलियन से पूछता है कि तुम लोग इतने बेकार से प्लैनेट पर क्यों रहते हो, जिस पर वो बताते कि बहुत समय पहले एक सुपर सैयन ने हमारे प्लैनेट को खत्म कर दिया था। गोहान कहता है, तब तो पैरागस अच्छा काम कर रहा। जिसके बाद में पैरागस को दिखाया जाता है। पैरागस का साइंटिस्ट सुप्रीम बताता कि हमारे प्लैनेट की तरफ तेजी से एक स्टार बढ़ रहा, अगर वो इसी तरीके से हमारे तरफ आता रहा तो कुछ ही घंटों पर हम तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर पैरागस बोलता, यही तो मैं चाहता हूं, और हंसते हुए उसे मार देता है। तभी प्लैनेट वेजिटा पे वेजिटा वापस आता है। वेजिटा को देखकर गोकू पूछता है, तो क्या तुम्हें वो सुपर सैयन मिला वेजिटा? जिस पर वेजिटा कहता है, मुझे तो याद नहीं गोकू कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कब बुलाया है, लेकिन वो सुपर सैयन मेरा है और गैकारोट मेरे रास्ते में आने की सोचना भी मत। लेकिन तभी ब्रूली गोकू को देखकर अपना काबू खोने लगता है, लेकिन यहाँ पर पैरागस जैसे तैसे अपने हाथ में लगे डिवाइस से ब्रूली को शांत करता है और अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पैरागस बताता है कि जब ब्रूली पैदा हुआ तो वो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मैंने उसे एक डिवाइस लगाया ताकि वो अपनी ताकत पर काबू पा सके। पर ब्रूली और गैकारोट एक साथ ही पैदा हुए थे। गैकारोट हर समय रोता रहता है, जिसकी वजह से गैकारोट को जब भी ब्रूली देखता है तो वो अपना आपा खोने लगता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में ब्रूली को दिखाया जाता है जो गोकू पर सोते हुए हमला करता है, लेकिन गोकू सही समय पर वहां से हट जाता है। लेकिन ब्रूली के शरीर से निकलने वाली एनर्जी को देखकर गोकू समझ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही सुपर लेजेंडरी सैयन है। तभी वहां पर पैरागस पहुंचता है जो अपने डिवाइस से ब्रूली को एक बार फिर से शांत करता और अपने साथ महल ले जाता है। अगले दिन वेजिटा को गोकू बताता है कि सुपर सैयन कोई और नहीं बल्कि ब्रूली ही है। पैरागस और ब्रूली भी वहां पर होते हैं। ब्रूली को वहां पर देखकर एक एलियन बोलता है, ये वही सुपर सैयन है जिसने हमारा प्लान डिस्ट्रॉय किया था। जिस पर पैरागस बोलता है, तुमने सही कहा, ये वही है और मैं तुम सभी को यहां पर इसलिए लाया ताकि तुम लोगों को इसी प्लान पर खोद कर मैं खुद अर्थ पर राज कर सकूं और अब ब्रूली इन्हें खत्म कर दो। ब्रूली गुस्से में गैकारोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वेजिटा उसे लड़ने जाता है, लेकिन ब्रूली की शक्तियां यहां पर फिर से बेकाबू होने लगती हैं। इसे देखकर वेजिटा तो डर जाता है, लेकिन बाकी सभी मिलकर ब्रूली को रोकने लगते हैं। फिर हमें पैरागस का पास दिखाया जाता है। पैरागस को वेजिटा के फादर ने ब्रूली के पैदा होने की वजह से उसे एक ऐसे प्लैनेट पर भेज दिया था जहां पर वो लोग सिर्फ बनने का वेट करते हैं। लेकिन तभी ब्रूली की शक्तियां जाग उठी और उसने ब्रूली और पैरागस को वहां से बाहर निकाला। दूसरी तरफ गैकारोट ट्रंक्स और गोहान अपने आप को सुपर सैयन में बदल कर ब्रूली से फुल पावर से लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्रूली तभी उन पर भारी पड़ रहा होता है। ब्रूली लड़ते हुए गोकू से बोलता कि तुमने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गोकू, अब मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लूंगा, और वो गोहान पर हमला करता है। गोहान को बचाने के लिए जब गोकू और ट्रंक्स सामने आते हैं तो वो अब उन दोनों पर कुत्तों की तरह कूद पड़ता है और ऑलमोस्ट तीनों को हरा चुका होता है।
तभी वहाँ पर पिकोलो पहुँचता है। पिकोलो सभी को सेंजू बीन खाने के लिए देता और बोलता कि तुम सुपर सैयन से अकेले ही लड़ने चले आ, इसकी एनर्जी तो मुझे दूर पृथ्वी तक महसूस हो रही थी, चलो इस सुपर सैयन को निपटाया जाए। और वो सभी के साथ मिलकर ब्रूली से लड़ता है, लेकिन ब्रूली सभी को हारा लगता है। तो पिकोलो विजिटा के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए विजिटा, तुम यहाँ पर खड़े को शो देख रहे हो। जिस पर विजिटा बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लड़ू ना लड़ू, वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो हमें हरा ही देगा। पिकोलो बोलता है, लेकिन हम लास्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद पिकोलो की बातों से इंस्पायर होकर विजिटा भी लड़ाई में कूद पड़ता है, पर ब्रूली बहुत ही आसानी से सभी के साथ विजिटा को भी हरा देता है। पर तभी हमें पैरगस को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे को प्लेनेट पे मरने के लिए छोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूली पहुँच जाता है और अपने बाप को पिचका कर मार देता है। गोकू ब्रूली को रोकते हुए सभी से बोलता है कि अब मुझे ब्रूली को हराने के लिए तुम सभी की पावर चाहिए, सभी अपनी पावर देने लगते हैं। पर हरा हुआ वेजिटा बोलता है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हें लगता है कि हम सबकी पावर लेकर तुम ब्रूली को हरा सकते हैं तो ये लो। और अब वेजिटा की भी पावर पाकर गोकू बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। गोकू सभी की शक्तियों को मिलाकर एक एनर्जी ब्लास्ट ब्रूली की तरफ मारता है, जिसे ब्रूली के चिथड़े हो जाते हैं। तभी वो मीटियोर आकर प्लैनेट से टकरा जाता है, लेकिन गोकू सही समय पर सभी को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से पिकोलो की स्पेसशिप तक पहुंचा देता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।